नमस्कार दोस्तों हम कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ की फिजिक्स का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर हमारा क्वेश्चन है अ ग्लास फुल ऑफ हॉट मिल्क इज पॉर्ड ऑन द टेबल इट बिगन टू कूल ग्रेजुअली विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दोस्तों एक गिलास दूध था वो टेबल पे बिखर जाता है गिर जाता है तो वो ठंडा होता है और हमसे पूछा है इसमें से कौन सी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है तो दोस्तों ऐसा कभी कभी हो भी जाता है डांट भी खाने को मिल सकती है आपको कुछ इस तरीके से टेबल है दोस्तों हम ये वाइट बैकग्राउंड इसलिए हम मान लेते हैं कि हल्दी वाला दूध है और ये दूध टेबल पर गिर गया है और दोस्तों जो कूल cool होगा ये क्योंकि ये टेबल पर गिरा है टेबल की कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होगी और दूध की भी तो कंडक्शन तो होगा और कन्वेक्शन होगा क्योंकि ये फ्लूड है फ्लूड है दोस्तों ये जो लिक्विड मिल्क है वो फ्लूड है और साथ में एयर भी ऊपर होगी क्योंकि हम लोग एयर के अंदर डिब्ड हैं तो ये मिल्क विल्क भी सब एयर के अंदर डिब्ड है तो एयर तो और ये मिल्क के बीच में और ये मिल्क जो फ्लो कर रहा है इस कारण कन्वेक्शन भी होगा कन्वेक्शन के लिए फ्लूड uh, का फ्लो चाहिए होता है और रेडिएशन दोस्तों यहाँ पे स्पेशल रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिना ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जो हर टेम्परेचर पे होता है यहाँ तक कि अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे और इस लैपटॉप के बीच में या फिर मेरे और दीवालों के बीच में या फिर जो कुछ भी जितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे हमारे बीच में आपस में हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा और आप जहाँ पे भी सुन रहे होंगे आपके भी आसपास जो भी वस्तु हैं उसमें आपस में हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा रेडिएशन के थ्रू और रेडिएशन ऐसा हीट ट्रांसफर है जिसको कोई मीडियम भी नहीं चाहिए होता है जो सन से हीट यहाँ धरती पे आती है बीच में एयर नहीं रहता कोई भी मीडियम नहीं रहता मगर वो भी हीट यहाँ तक आ जाती है रेडिएशन के थ्रू दोस्तों रेडिएशन कमाल का फिनोमिना हीट ट्रांसफ़र है और ये हर टेम्परेचर पे होता है और हर वस्तु के हर ऑब्जेक्ट के बीच में हो रहा है अभी भी हो रहा है मगर ये जो है ज़्यादा टेम्परेचर पे Uh, ये सिग्निफिकेंट देखने को मिलता है हमें अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो uh, तो दोस्तों रेडिएशन जो ही ट्रांसफर है अकर्स एट ऑल टेम्परेचर एट ऑल टेम्परेचर रेडिएशन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स बट इट प्रोमिनेंट इन एट हायर टेम्परेचर ठीक है दोस्तों और भी हम इसके बारे में बाद में जानेंगे uh, तो जो ये सी स्टेटमेंट है व्हेन कूलिंग वाइल कूलिंग देर इज फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम ट इज फ्राम और अपने बीच में भी रेडिएशन हो रहा है हर वक्त मगर जो नेट हीट ट्रांसफर है नेट हीट ट्रांसफर जो है वो गर्म से ठंडे के बीच यानी दूध जो ठंडा हो रहा है वो कह रहा है तो ये सही कह रहा है दोस्तों रेडिएशन में ऐसा ही होता है तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है और दोस्तों ये जो हीट ट्रांसफर है ये कैसा कांस्टेंट हो रहा है या एक्सपोनेंशियल हमारे पास ये दो क्वेश्चन है तो ये दोस्तों कांस्टेंट नहीं है ये एक्सपोनेंशियल है क्योंकि ये हीट ट्रांसफर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करेगा डी टी बाई टी इजक्वल टू के टी माइनस टी नॉट टी नॉट दोस्तों एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा टी माइनस आई अपॉन टी आई माइनस टी नॉट टी इनिशियल जो दूध का टेम्परेचर है और टी कुछ समय बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा ये ये हो जाएगा इसके बारे में अगर देखेंगे आगे क्वेश्चन आएगा तो हम इस पर और डिस्कस करेंगे मगर एक्सपोनशियली दोस्तों ये कूल cool होगा इसी प्रकार हीट भी एक्सपोनशियली होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट रेट से नहीं होता तो हमारे दोस्तों जो ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन ये भी सही है द टेम्परेचर ऑफ मिल्क फॉल्स ऑफ एक्सपोनशली विद टाइम हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन के जरिए तो ये भी हमारा सही है ये वाला हमारा गलत है दोस्तों क्योंकि कूलिंग इज कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है और तो हमने जाना दोस्तों कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन तीन फिनोमिना के बारे में और रेडिएशन जो है हर टेम्परेचर पे हर ऑब्जेक्ट के बीच में होता है और इसको कोई मीडियम भी नहीं चाहिए ट्रांसफर के लिए रेडिएशन को बाकी कंडक्शन कन्वेक्शन को मीडियम चाहिए होता है थैंक यू दोस्तों